नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अक्सर आपने किसी जो मालगाड़ी होती है उसमें एक वैगन के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा, लूज शंटिंग ना करें, या इंग्लिश में लिखा देखा होगा, नॉट टू बी लूज शंटिंग। तो इसका मतलब क्या होता है और इसके पीछे कारण क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पहले हम ये जानते हैं कि शंटिंग का मतलब क्या होता है। दोस्तों, शंटिंग का मतलब होता है कि कोई भी एक गाड़ी होती है उसमें से एक या अधिक कोच या वैगन को काटकर अलग अलग करना, या उनका जगह चेंज करना, या किसी मालगाड़ी या पैसेंजर ट्रेन का इंजन फेल हो जाए तो उसके इंजन को हटाकर दूसरा इंजन रिप्लेस करना, ये सब चीज़ दोस्तों शंटिंग कहलाती है। रेलवे की भाषा में इनको शंटिंग कहते हैं। दोस्तों, रेलवे में शंटिंग कई टाइप की होती है, उनमें से ही एक शंटिंग होती है जिसे हम बोलते हैं लूज शंटिंग। जिसका भी लूज शंटिंग करना होता है उस मालगाड़ी को एक ढलान वाले क्षेत्र पर इंजन की सहायता से ले जाया जाता है और वहां फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है ताकि वो ढलान से लुढ़कते लुढ़कते उनके निर्धारित क्षेत्र में जा सके, और जहां पर भी उनको ले जाना होता है वहां पॉइंटों के माध्यम से उनका रास्ता सेट कर दिया जाता है। इस प्रकार से रेलवे कुछ ईंधन की आपूर्ति बचा लेता है। रेलवे की भाषा में इसे लूज शंटिंग कहते हैं। और इसमें से दोस्तों कुछ कोच यहां पर, कुछ वैगन, कुछ कोच यहां पर लूज शंटिंग के लिए नहीं बने हुए होते हैं, स्पेशली जो पेट्रोलियम वाले होते हैं, क्योंकि अगर इनको लूज शंटिंग करवाया जाएगा तो हो सकता है कि ये कहीं टकरा कर, हो सकता है कि ये विस्फोट हो जाए। तो ऐसे में जो कोच या जो वैगन लूज शंटिंग के लिए नहीं बने होते हैं उन पर पहले ही लिखा होता है नॉट टू बी लूज शंटेड, यानी कि इनकी लूज शंटिंग नहीं करवानी चाहिए। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने ज़्यादातर जगह लूज शंटिंग को प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि इससे काफ़ी मात्रा में नुकसान होता है। क्योंकि आप देखते होंगे इस प्रकार के जो लूज शंटिंग होता है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान वैगन को होता है, और स्पेशली जो पेट्रोलियम वाले जिनमें बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जिससे यहाँ पर विस्फोटक भी होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि लूज शंटिंग क्या होती है और ये वैगन के ऊपर नॉट टू बी लूज शंटेड, यानी कि लूज शंटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।